प्रिंसिपल सचिव के रूप में दो वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रोफेसर मुश्ताक अहमद को पदाधिकारियों शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने किया सम्मानित। कुलपति ने कहा कि सचिव के विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं प्रधानाचार्य के रूप में लंबित कार्य अनुभव का लाभ पूरे विश्वविद्यालय को हो रहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से अधिक लोगों को जोड़ने हेतु दरभंगा जिला में 6 आयुष्मान जागरूकता रथ निकाला गया, जिन्हें जिलाधिकारी श्री राजीव रौशन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुल 6 जागरूकता रथ जिले के सभी पंचायतों का भ्रमण करेगी। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा 30 सितंबर 2022 को जिले के 41 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिनमें लगभग 25,000 परीक्षार्थी भाग लेंगे। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर डीएम ने की ब्रीफिंग। दरभंगा शनिवार के दोपहर हुई बारिश के बीच जाले पड़ गए। चंद्रदीपा गांव में बिजली गिरने से चंद्रदीपा गांव में आसमानी बिजली गिरी, जिसके चपेट में आए एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे जाले पीएससी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। स्थानीय निवासी मंजर हसन ने बताया, खेत के पास अचानक आसमान से बिजली गिरने से स्थानीय चंद्रदीपा गांव निवासी रामदुलार सैनी के पुत्र मुकेश कुमार सैनी घायल हो गया। यह घटना 211 के पैक्स गोदाम के निकट घटी है, जिसमें आसमान से बिजली गिरने से एक व्यक्ति घायल, इसका इलाज चल रहा है। दिनांक 25/9/2022 रविवार को सुबह 8 बजे से 12 बजे दोपहर तक सिंह कंस्ट्रक्शन द्वारा डीएमसीएच पीएसएस से अर्बन पीएसएस तक 33 केवी का तार शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए अर्बन पीएसएस से निकलने वाली चारों 11 केवी फीडर की लाइन बाधित रहेगी। प्रभावित होने वाले क्षेत्र इस प्रकार है: किलाघाट, भगवान दास, जेबी चौक, उर्दू बाजार, बाजितपुर, मदौली, गिदारगंज, चक्रहमत, रामगंज, फैजुल्ला खां, पुरानी मुंसफी, खान चौक, मदारपुर, केस कॉलेज रोड, टेलीफोन एक्सचेंज, अललपट्टी, दुनार, गंगा सागर, भूरिया फ्लाई, मिशन टोला, मुगलपुरा, दिग्घी वेस्ट, मिर्जापुर इत्यादि। आगामी नगर पालिका चुनाव, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम राजीव रौशन ने सभी प्रकार का अवकाश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। अपने अधीन पदाधिकारी व कर्मियों को निर्देशित किया है कि सभी अपने अपने मुख्यालय में बने रहेंगे। जिले के सभी आयुष चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर आगामी 26 को कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे। एमएसए व एएसबी ने संयुक्त रूप से प्रस्तावित तिथि को आंदोलन की घोषणा की है। चिकित्सक ने अपने अपने जगहों पर उपस्थित रहकर पेन स्टॉप कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र से मेयर प्रत्याशी के रूप में मीना झा ने आज अपने आवास से मनोकामना मंदिर श्यामा मंदिर से पूजा कर छोटे बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए नॉमिनेशन किया। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के मेयर उम्मीदवार धर्मशीला गुप्ता ने अपने आवास से समर्थकों के साथ मनोकामना मंदिर एवं श्यामा मंदिर में दर्शन कर अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन किया। ललित नारायण मिठाई इंडस्ट्री में बीते 5 शैक्षणिक सत्रों में नामांकित छात्रों की संख्या में करीब 80% की बढ़ोतरी हुई है। विभिन्न सूत्रों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2016-19 में यूपी स्तर नामांकित छात्रों की संख्या 92,410 थी, जबकि 2021-24 में नामांकित छात्रों की संख्या बढ़कर 164,500